दोस्तों इस केस को ज़रूर सुनिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये केस है आम तौर पर हमारे साथ एक सेलर और बायर के बीच में इस तरह की परेशानियाँ आती रहती हैं तो आपके लिए ये केस काफ़ी काम आने वाला है इसे ज़रूर सुनिएगा इस केस के अंदर जो हमारा पेटिशनर है दे ही ट्रेडर इन रो रबर शीट्स अकॉर्डिंग टू दैम इन्होंने कुछ गुड्स खरीदे फ्रॉम वन चार्ल्स एंड हिज वाइफ शांति द स्पेसिफिक केस इज़ दैट अ सब्सटेंशियल पोर्शन जो सेल कंसिड्रेशन है वो पे की गई वज पेड ओनली थ्रू बैंकिंग चैनल द पेमेंट मेड बाय पटिशनर टू दिस सेट जिससे उसने गुड्स खरीदे थे चार्ल्स एंड इज़ वाइफ इंक्लूडेड द टैक्स कॉम्पोनेंट ऑल्सो तो उन्होंने जो सेलर है उसने टैक्स कॉम्पोनेंट जोड़ करके जो है उससे पेमेंट ले ली बायर से चार्ल्स एंड इज वाइफ जो कि सेलर है टू बी डीलर रजिस्टर्ड विद द वेरी सेम असेसमेंट सर्कल बेस्ड ऑन द रिटर्न फाइल बाय द सेलर सेलर ने जो अपनी रिटर्न फाइल की पटिशनर ने अवेल कर लिया आई तो सेलर ने अपनी रिटर्न फाइल की जिस बेसिस पर पटिशनर ने आईटीसी अवेल कर लिया लेटर ड्यूरिंग इंस्पेक्शन बाद में इंस्पेक्शन हुई जिससे कि ये पता लगा इट केम टू लाइट दैट द चार्ल्स एंड हिज वाइफ जो कि सेलर है, डिड नॉट पे एनी टैक्स टू दी गवर्नमेंट उन्होंने परचेज अ बायर से तो ले लिया लेकिन आगे गवर्नमेंट को पे नहीं किया दैट नेसेसिटेटेड द इनिशिएशन

दैट ऑल दी अमाउंट पेबल बाय देम हैव बीन पेड टू द चार्ल्स एंड इज वाइफ शांति तो पिटिशनर ने जो अपनी रिप्लाई लिखी उसमें स्टैंड लिया कि जो उसने पूरी की पूरी पेमेंट की है सेलर को देयर फोर दोज टू सेलर विल हैव टू बी नेसेसरली कंफ्रंटेड ड्यूरिंग इंक्वायरी तो इस वजह से उन सेलर्स को भी इंक्वायरी फीस करनी चाहिए क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि आप तो पेमेंट कर देते हैं आगे सेलर है वो अपनी जी एस टी आर वन में उसे दिखा देता है लेकिन थ्री बी में नहीं दिखा थ्री बी में टैक्स ही पेमेंट नहीं होती और आपकी जी एस टी आर वन में जब वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है तो आप उसके बेसिस पर आई टी सी क्लेम कर लेते हैं और बाद में कि ये पता चलता है कि टैक्स तो गवर्नमेंट को जमा कराया ही नहीं गया तो इस तरह की परेशानियाँ जी एस टी के अंदर आमतौर पर देखी जाती हैं तो यहाँ पर जो हमारा बायर है उसने बोला कि द टू सेलर्स जिनसे कि माल खरीदा गया था दे विल हैव टू बी कन्फ्रंटेड ड्यूरिंग इंक्वायरी उनको भी इंक्वायरी जो है ये फेस करनी पड़ेगी अनफॉर्चुनेटली विदाउट इन्वॉल्विंग द चार्ल्स एंड इज वाइफ शांति द इम्पैक्ट ऑर्डर केम टू बी पास लिविंग द एंटायर लाइबिलिटी ऑन द पटिशनर हेयरिंग अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया सेलर को और पूरी लाइबिलिटी जो है वो पटिशनर के ऊपर आ गई

कि जो आईटीसी लिया गया है उन प्रीमाइज की जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा हो गया है इट टर्न आउट दैट द सेलर हैव नॉट पेड एनी टैक्स एंड पटिशनर कुड नॉट फर्निश एनी प्रूफ ऑफ द सेम द डिपार्टमेंट वाज एंटायरली जस्टिफाइड इन प्रोसीडिंग टू रिकवर द सेम फ्रॉम द पटिशनर हेयर इन तो अब यहाँ पे कहा गया कि सेलर ने जो है टैक्स की पेमेंट नहीं की है गवर्नमेंट को और Uh, जो पटिश्नर है उसके पास प्रूफ भी नहीं है कि पेमेंट गवर्नमेंट को हो चुकी है तो इस केस में जो डिपार्टमेंट है वो जस्टिफाई है जस्टिफाइड है कि वो पटिश्नर से रिकवरी करे टैक्स की द रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी फोल्टेड फॉर हैविंग रिवर्स्ड वट एवर आई टी सी दैट वॉज ऑलरेडी अवेल बाई द पटिश्नर तो रिस्पोंडेंट ने कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं की है जो उसने आई टी सी रिवर्स कराया है पटिश्नर का क्योंकि जो है पेटिशनर ये प्रूफ नहीं कर पाया है कि गवर्नमेंट को टैक्स जमा हो चुका है तो जो आईटीसी उसने लिया है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा नाउ द काउंसिल फॉर द पटिश्नर वुड ड्रॉ माई अटेंशन टू द डिसीजन ऑफ मद्रास कोर्ट में भी लिया गया था श्री विनेगा एजेंसीज के केस में वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर के केस में इट वॉज़ हेल्ड दैट अथॉरिटी डज नॉट हैव टू टू रिवर्स द ITC टी सी ऑलरेडी अवेल्ड बाई द एस एस सी ऑन द ग्राउंड दैट सेलिंग डीलर हैज़ नॉट पेड द टैक्स तो इसमें कहा गया कि जो है अथो जुरिस्ट्रिक्शन अथॉरिटी के पास ऐसी कोई भी जुरिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो आई टी रिवर्स कर ले जो ऑलरेडी लिया जा चुका है एस एस सी के द्वारा किस बेसिस पर रिवर्स ना करें कि जो गवर्नमेंट को टैक्स सेलर ने पे नहीं किया है इस बेसिस पर नाउ आई एम अफ्रेड दैट दिस प्रोपोजिशन लेट आउन इन द कंटेक्सट ऑफ प्रिवियस टैक्सम स्ट्रेट अवे एप्लीकेबल टू द करंट टैक्स रेजीम पर एप्लीकेबल नहीं होगी नाउ द लर्न काउंसिल ब्रोथ टू माई नोटिस द प्रेस रिलीज हुई थी बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ जी एस टी काउंसिल के द्वारा ऑन फोर्थ Uh, जो है मई 2018 में उस प्रेस रिलीज में इट हैज़ बीन मैंशंड ये मैंशन किया गया था दैट देयर शेल नॉट बी एनी ऑटोमेटिक रिवर्सल ऑफ आई टी सी फ्रॉम द बायर और नॉन पेमेंट ऑफ़ टैक्स बाय द सेलर तो ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं किया जाएगा बायर का आई टी सी अगर सेलर पेमेंट नहीं करता है तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ़ टैक्स बाय द सेलर रिकवरी शैल बी मेड फ्रॉम द सेलर तो अगर सेलर की तरफ से डिफॉल्ट हुआ है तो रिकवरी सेलर से की जाएगी हाउ एवर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट फ्रॉम बायर शेल ऑल्सो बी एन ऑप्शन अवेलेबल विद द रिवेन्यू अथॉरिटी के पास ऑप्शन है टू एड्रेस एक्सेप्शनल सिचुएशन के अंदर लाइक मिसिंग डीलर मिस है क्लोजर ऑफ बिजनेस है बाय द सप्लायर के द्वारा या फिर सप्लायर के पास एडिक्वेट एसेट्स नहीं है पे करने के लिए तो इन केसेस में वो आई टी सी को रिवर्स कर सकता है तो ये सारी चीज़ें देखी गई सेक्शन सिक्सटीन की बात यहाँ पे की गई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन जो उस पर लगाई गई हैं आईटीसी ले सकता है ओ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने बिजनेस के लिए यूज़ की है या फर्दर एंस के लिए यूज़ की है नो रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एन टू टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ अनलेस अगर उसके पास जो है टैक्स इन नहीं है उसने गुड्स एंड सर्विस रिसीव नहीं की तो ऐसे केसेस में वो आई क्लेम नहीं कर सकता तो ये पूरा सेक्शन इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया है इट कैन बी सीन goods मस्ट tax So, चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मस्ट हैव इन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आई टी सी एडमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट सप्लाई तो यहाँ पर जो चीज़ें इन्होंने देखी वे देखी कि कंडीशन जो है कि एस एस सी को गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो गए हैं और जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे हो चुका है या तो कैश की फॉर्म में या फिर आई टी सी यूटिलाइज करके जो है वो पे हो चुका है इफ टैक्स हैज़ नॉट रीच द किटी ऑफ गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को नहीं हुआ तो लाइबिलिटी मे हैव टू बी इन्वेस्ट बोर्न बाय वन पार्टी तो उसकी लाइबिलिटी जो है किसी एक पार्टी पर आएगी अगर टैक्स नहीं जमा हुआ है या तो सेलर पर आएगी या बायर पर आएगी इन केस ऑफ हैंड द रिस्पोंडेंट डज नॉट अपीयर टू हैव टेकन एनी रिकवरी एक्शन अगेंस्ट द सेलर ऑन द प्रेजेंट ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट ने जो सेलर है उस पर किसी तरह का कोई रिकवरी को, एक्शन नहीं लिया है द लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर ड्रॉ माई अटेंशन टू द ऑर्डर जो कि आया था सताइस अक्टूबर को फाइनलाइजिंग द असेसमेंट ऑफ सेलर बाई एक्सक्लूडिंग द सब्जेक्ट ट्रांजेक्शन अलोड नाउ आई एम अनेबल टू अप्रीशिएट द अप्रोच ऑफ द अथॉरिटी वेयर इट हैज़ कम आउट दैट सेलर हैज कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द परचेजिंग डीलर एंड द मिशन ऑफ द पार्ट ऑफ सेलर टू रिमिट द टैक्स इन क्वेश्चन मस्ट हैव बिन व्यूड वेरी सीरियसली एंड स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो है मैं ये अथॉरिटीज़ ने क्या किया है कि सेलर जिसने ऑलरेडी परचेज़र से टैक्स कलेक्ट कर लिया है और ये सेलर के पार्ट पर जो ये गलती है और सेलर पर किसी तरह का कोई एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है तो ये सारा इसका जो है वो था नाउ इन्होंने कहा है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्डेंट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ कोर्ट्स हाउ एवर एग्जामिनेशन ऑफ चार्ल्स एंड इज वाइफ हैज़ बिकम ऑल मोर नेसेसरी एंड इम्परेटिव पेटिशनर हैज़ इंसिस्टेड ऑन दिस आई डोंट अंडरस्टैंड वाई रिस्पोंडेंट डिड नॉट इन्श्योर द प्रेजेंस ऑफ चार्ल्स एंड इज वाइफ शांति इन द इंक्वायरी तो ये सभी चीज़ें उन्होंने कहा है कि जो सेलर है उसको भी इस इंक्वायरी को फेस करना चाहिए उसको भी इंक्लूड करना चाहिए देअ देयर द इम्पन ऑर्डर है आर एंड मैटर आर रेमिटेड बैक टू द फाइल ऑफ द रिस्पोंडेंट इसे क्वेश्चन कर दिया गया और मैटर को जो है रेमिटेड बैक टू द रिस्पोंडेंट द स्टेज अप टू रिसिप्शन ऑफ रिप्लाई फ्रॉम पटिशनर inquiry alone will have to be held afresh. a fresh एक फ्रेश इंक्वायरी होगी in the said inquiry और उस इंक्वायरी के अंदर चार्ल्स एंड इज़ वाइफ शांति will have to be examined as witness उनको भी एग्जामिन किया जाएगा पैरलली the respondent will have initiate recovery action against the चार्ल्स एंड इज वाइफ शांति और साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट है वो उस सेलर के अगेंस्ट भी रिकवरी एक्शन जो है स्टार्ट करेंगे विथ दिस डायरेक्शन द रिट पटिशन को अलाउ किया गया नो कॉस्ट कंसिक्वेंटली कनेक्टेड मिसलिनियस पटिशंस आर क्लोज तो ये बहुत ही बड़ा डिसीजन है जो इस हाईकोर्ट के अंदर लिया गया है ऐसे काफ़ी सारे केसेज आमतौर पर हम देखते हैं जहाँ सेलर के पार्ट पर डिफ़ॉल्ट की वजह से जो बायर का आईटीसी है वो रोक दिया जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है थैंक यू फॉर वॉचिंग